दिल्ली में एमएसएमई के योगदान पर कई राज्यों की 20 एमएसएमई एसोसिएशन के फोरम A20 की बैठक हुई, जिसमें एमएसएमई के उत्थान के लिए 5 प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और सरकार को प्रत्यावेदन देने का फैसला भी किया गया। बैठक की अध्यक्षता IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने की। नीरज सिंघल ने बताया कि A20 ज्वाइंट फोरम का मुख्य उद्देश्य एक विचार एक आवाज के साथ पूरे देश के एमएसएमई विकास के लिए काम करना है। उन्होंने देश की जीडीपी ग्रोथ में एमएसएमई की भूमिका पर A20 ज्वाइंट फोरम के जरिए केंद्र सरकार से ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉलिसी रिफॉर्म की आवश्यकता बताई, जिससे देश के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को पूरा करने पर एमएसएमई का योगदान बढ़ाया जा सके। मक्के में नहीं कीड़े लगेंगे तो क्या अमेरिका का कीड़ा भारत में भी होगा? क्या वहाँ की मिट्टी यहाँ भी होगी? और साथ ही साथ जिसकी स्टडी नहीं है, आज को पहले बीती ब्रंजल आया था, उसकी इतनी बीमारियां हुई, कैंसर हुआ, डॉक्टर कहते हैं आज हम भी जे मक्के का प्रयोग करने लगे भारत में, तो हमारे चिकन पोल्ट्री सब वही खाने लगेंगे, तो धीरे धीरे हमारे जीन म्यूटेट करेंगे, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। A20 का मुख्य उद्देश्य है वन थॉट वन वॉइस। क्या होता है जब सरकार के पास हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बात लेकर जाता है और उनमें विसंगतियां होती है, तो वो बात सही तरीके से सरकार के पास तक नहीं पहुंच पाती है और जो पॉलिसी रिफॉर्म होना चाहिए वो पॉलिसी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए A20 की समिट का हमने आयोजन किया, जिसमें भारत की सभी स्टेटों की लगभग 20 ऐसी एसोसिएशंस को हमने जोड़ा है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए काम कर रहे हैं। एमएसएमई की आवाज एक विचार के साथ हम सरकार तक पहुंचा पाए, A20 समिति का मेन उद्देश्य ये, जिससे हम विकसित भारत की परिकल्पना को एचीव करें।